हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक। जहां तक बात है लॉकडाउन की या शटडाउन जो कि हम लोगों ने अभी चल रहा है लॉकडाउन और शटडाउन, तो हम लोग देखते हैं कि मीडिया में और बहुत सारी जगह पे आप वीडियोस में आप देखते होंगे वहां पर ये लगता है कि जैसे कि इस्लाम लॉकडाउन को मना कर रहा है या ये प्रोपोगेट किया जाता है कि इस्लाम बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन को फॉलो मत करो, लॉकडाउन जो भी हो अपना हर चीज लोगों से मिलते रहो, नमाज पढ़ते रहो, मस्जिदों में जाते रहो। तो क्या ये सही है या क्या ये गलत है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। कुरान के बाद हम मुसलमान मानते हैं कुरान के बाद सही अहादीस में जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वचन है, उनकी बातें हैं, उनके अमल है और किसी चीज को जो उनके सामने किया गया फिर वो उसको उस पे खामोश रहे, उन चीजों को बोला जाता है हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। तो उन बातों में चलिए हम देखते हैं लॉकडाउन के बारे में या क्या चीज बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप सही अल बुखारी पढ़िएगा जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ मेडिसिन हदीस नंबर 5728 हदीस नंबर 5729 हदीस नंबर 5730 तो इन सारी हदीसों में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इफ यू हियर ऑफ एन आउटब्रेक कि अगर तुम किसी जगह पे ताउन यानी कि किसी प्लेग या फैलने वाली बीमारी जो होती है प्लेग उसके बारे में ताउन के बारे में सुनो कि उस जगह में फैल चुका है देन डू नॉट एंटर इट तो उस जगह में तुम दाखिल नहीं हो और अगर तुम किसी जगह पे हो जहां पे ताउन फैल जाए तो तुम उस जगह से बाहर मत। तो एक तरह से अल्लाह के नबी ये लॉकडाउन के कंसेप्ट को, इस आइसोलेशन और लॉकडाउन के कंसेप्ट को हम लोगों को आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर तुमको ये लगे, अगर तुमको पता चले कि कहीं पे ताउन फैल गया है, कहीं पे प्लेग फैल गया है, कहीं पे फैलने वाली बीमारी फैल चुकी है तो उस जगह पे तुम जाओ नहीं और अगर वहां पर हो तुम तो वहां से निकलो नहीं, डू नॉट कम आउट ऑफ इट, वहां से बाहर मत निकलो। तो ये चीज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को तालीम दे रहे, सही अल बुखारी सही अहादीस में हम लोगों को ये तालीम मिला है। उसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस बुक ऑफ मेडिसिन हदीस नंबर 5707 में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम कोढ़ी से लेपर से इसी तरह भागो जिस तरह से तुम किसी शेर से भागते हो, टाइगर किसी शेर से भागते हो उसी तरह से तुम कोढ़ी से भागो। क्यों भागो? क्योंकि वो उसकी बीमारी तुमको फैल सकती है, उसकी बीमारी से तुमको परेशानी हो सकती है। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सुनन इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 3544 तो उसमें अल्लाह के नबी के एक लेपर होता है, एक कोढ़ की बीमारी से एक शख्स बीमार रहता है, लेपर होता है वो, कोढ़ी होता है, तो वो आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उससे बैत, क्योंकि बैत हाथ पे हाथ दे किया जाता है, तो अल्लाह के नबी उससे फरमाते हैं कि ठीक है हो गया तुम हाथ से देने के बैत देने की तुमको जरूरत नहीं, तो अल्लाह के नबी ने उसको उसी तरह लौटा दिया, बैत हो गया तुम्हारा। तो ये चीज अल्लाह के नबी हम लोगों को सिखा रहे हैं सही बुखारी में, सही सुनन इब्ने माजा में, सही अहादीस में लॉकडाउन के बारे में और किसी भी फैलने वाली बीमारी से बचने के बारे में। अब रही बात अगर कोई फेक वीडियो बना रहा है टिकटॉक के ऊपर, कोई इमोशनल वीडियोस बना रहा है, कोई कहीं सोशल मीडिया पे बना रहा है, कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा है, तो अगर कोई टोपी और दाढ़ी रख करके सिर्फ कोई वीडियो बना देता है या कोई बात बोल देता है तो उससे वो बात ऑथेंटिक नहीं हो जाती। मान के चलिए कि अभी मैं डॉक्टर के सूट में एक स्टेथोस्कोप को लगा करके, एक स्टेथोस्कोप जिसको आला को लगा करके मैं बैठ जाऊं और मैं यहां से बताने लगूं कि ये बीमारी, ये कोरोना वायरस का COVID-19 का ये इलाज है, तो क्या वो ऑथेंटिक हो जाएगा, क्या वो सही हो जाएगा वो बात? नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो उसी तरह अगर मैं सिर्फ टोपी और दाढ़ी लगा करके अगर कोई बात बोल दूं तो ये चीज सही नहीं होगी। अगर मैं टिकटॉक पे कोई वीडियो बना दूं तो वो 100% सही नहीं होगी जब तक कि मैं उसके साथ ये नहीं बोलूं कि कुरान में ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ, जब तक कि मैं उसके साथ ये नहीं बोलूं कि सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 बुक ऑफ मेडिसिन हदीस नंबर 5729 5728 इन सब जगहों में लिखा हुआ है कि आपको किसी जगह पे जहां पे ताउन फैलता है वहां पे जाना नहीं है, ना ही अगर कहीं पे फैल गया है तो वहां से निकलना है। तो जब इस तरह से मैं बातों को बोलूं तब वो कुछ प्रूफ होता है, वरना फेक वीडियो से तो आप ये नहीं कह सकते। और अगर कोई मीडिया उसका इस्तेमाल करे तो ये सरासर गलत है कि आप किसी को भी उठा करके ये बोले कि ये चीज इस्लाम बोलता है। इस्लाम क्या चीज बोलता है वो सही कुरान में है, इस्लाम जो चीज बोलता है वो सही अहादीस में है, और इस्लाम जो बोलता है वो सहाबा के अमल में, जो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनके अमल में, वहां पर से हम लोगों को इस्लाम मिलेगा, ना कि किसी टिकटॉक के वीडियो, इमोशनल वीडियो या बातों में कोई युद्ध, कोई मुस्लिम युद्ध आकर के, मुस्लिम नौजवान आकर के कुछ भी बोल दे तो वो इस्लाम की बात हो जाती है। तो ये बात हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है।
Mm-hmm.